हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल लर्न एंड मस्ती में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में नंबर 15 लेके आई हूँ, जिसकी मदद से मैं आपको बहुत ही इजी वे में एक फ्लावर पॉट बनाना सिखाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको बस पहले ये ध्यान रखने की, जब आप 15 को ड्रॉ करोगे तो थोड़ी सी नीचे करना इस तरीके से, और 5 को आपको 1 के बराबर खींचनी इस तरीके से, और यहाँ से आपको ये कर्व करनी है, और ज़्यादा डीप नहीं करना, आप इस तरीके से करना, और ये लाइनिंग थोड़ी सी टेढ़ी होगी। और आपको इधर भी इसी तरीके से सी की शेप देके नीचे लाइनिंग इस तरीके से कर दो, मिला दो, ये डबल हो गई। तो यहाँ पे जो लाइनिंग करोगे ये थोड़ी सी कर्व करना इस तरीके से, ये पॉट हो गई। अब आपको इसमें कुछ लीफ और आपको कुछ फ्लावर बना देनी है, तो आप अपनी पसंद की 2-4 तरह की फ्लावर दे सकते हो। यहाँ मैं करके आपको दिखा रही हूँ, आप इसी तरीके से मुझे फॉलो करते चलो, और देखना आप बहुत ही सिंपल है बनाने में, आप आराम से इसे बना सकोगे। तो ये पॉट तैयार हो गई। अब मैं इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन कर दे रही हूँ। और अगर फ्रेंड्स आप बहुत छोटे हो तो आप प्लेन भी रख सकते हो उस पॉट को, और उसमें आप कलर कर देना, अच्छी लगेगी। और आप थोड़े से बड़े हो तो आप कर सकते हो इस तरीके से डिज़ाइन। तो ये हो गई, अब मैं इसे आपको कलर करके भी दिखाती हूँ, आप भी करो मेरे साथ साथ। अब आपने अपनी पसंद की कोई भी कलर लेनी है, और सारी फ्लावर को आपको इस तरीके से कलर कर देनी है। तो मैं आपको करके ये दिखा रही हूँ कम्प्लीट। तो ये फ्लावर तैयार है। अब मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ डार्क, और ये जो फ्लावर की डंटल है मैं इसे कलर करके दिखा रही हूँ आपको। आपको भी ऐसे ही करनी है, थोड़ी सी संभाल के करना, क्योंकि ये थोड़ी सी पतली है तो कलर बाहर जा सकती है, इस तरीके से करनी है। अब मैं यहाँ पे लाइट कलर ली हूँ ग्रीन की, और इससे मैं जो इसकी लीफ है ये कलर कर रही हूँ। तो ये हो गई, मैं इसमें थोड़ी सी और पत्तियाँ डाल रही हूँ इस तरीके से। तो अगर आप चाहो तो पेंसिल से बना सकते हो, क्योंकि अगर गलत होगी तो आप इरेज कर सकोगे, और अगर आप कलर से बना सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी इसी तरीके से बनाओ। और कुछ पत्तियाँ इसी तरीके से हर डंडल में बना दो, दो दो करके। तो देखिए ये हो गई, अब मैं पॉट को कलर करके दिखा रही हूँ आपको। अब आपने पॉट को कलर करनी है, तो अपनी पसंद की कोई भी कलर लो आप, और इसकी डिज़ाइन में फिल करना। बस आपको ध्यान देनी है कि पहले बॉर्डर खींचनी है, उसके बाद ही आप कलर फिल करना। तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ पूरी पॉट को कलर करके। तो ये कंप्लीट हो गई है। अब आपको ब्लैक कलर लेनी है, और पूरी पिक्चर को आपको बॉर्डर करनी है, जितनी भी पेंसिल की लाइनिंग है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नंबर 15 की मदद से बहुत ही इजी तरीके से आपको फ्लावर पॉट बनाना सिखाई। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।